हाय गाइस, आपका स्वागत है फिर से ऑल इन वन अपडेटेड चैनल्स पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया ने कनाडियन सिटीजन्स के लिए वीजा को क्यों सस्पेंड कर दिया है और ये जो अपडेट है वो 21 सितंबर 2023 की है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। सितंबर 2023 को इंडिया ने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वीजा को सस्पेंड कर दिया है और इसकी सबसे मेन वजह है कनाडा के सिख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जो 18 जून 2023 को हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि हरदीप सिंह जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं बट ये 1992 से कनाडा जो है वो रहने लगे थे और इसी हत्या की वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये कहते हैं between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडू कहते हैं कि हरदीप निज्जर की हत्या के पीछे इंडिया के डिप्लोमेट्स और उसी टाइम इंडिया के डिप्लोमेट्स को हटा दिया जाता और तुरंत कनाडा के BLS इंटरनेशनल जो इंडिया के वीजा को हैंडल करती है। तो BLS इंटरनेशनल ने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को लेटर भेजती है और इस लेटर में लिखा होता है कि इंडिया के वीजा को सस्पेंड कर दिया गया है नेक्स्ट नोटिस तक। जब तक अगला नोटिस नहीं आएगा तो इसके बीच में इंडिया के वीजा को अलाउ नहीं किया जाएगा। जब कनाडा इंडिया के डिप्लोमेट्स को हटाती है तो उस टाइम जो है वो इंडिया के गवर्नमेंट को गुस्सा आता है और इसी डिप्लोमेट्स के हटाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 4 मिनट बाद जो है वो लेटर सेंड करती है और उस लेटर में जो है इंडिया भी कनाडा के सिटीजन्स के लिए वीजा को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो देने के लिए इंडिया के डिप्लोमेट्स को। हरदीप सिंह निज्जर जो है वो इंडिया के लिए वांटेड है क्योंकि इन्होंने 1995 में पंजाब के CM BL सिंह की हत्या की थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि हरदीप जो वो खालिस्तान के मेंबर भी है, वहां से ये जुड़े भी हुए हैं और इसे जो वो आतंकवादी भी कहते हैं। इंडिया में 40 टेररिस्ट की लिस्ट है और 40 टेररिस्ट में से हरदीप का नाम भी आता है। तो यही वजह रही है जिसकी वजह से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया पे आरोप लगा रही है हरदीप सिंह की हत्या की वजह से। और साथ ही आपको पता भी होगा कि कनाडा में जो है वो 16 से 18 लोग जो है वो इंडियन रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कनाडा और इंडिया ने वीजा को क्यों सस्पेंड किया है। इसका मेन रीजन है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की वजह से। अब ये जो कनाडा और इंडिया की जो वीजा है वो कब अलाउ किए जाएंगे, कब सस्पेंडेड से इन्हें हटाया जाएगा, जैसे इसकी अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा ऐसे ही अपडेट और टैग के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।